पहलवानों को मिला बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर का समर्थन, कहा बृजभूषण शरण सिंह अगर दोषी है तो कार्रवाई हो, पहलवानों को जल्द न्याय मिलना चाहिए। मैं सांसद के तौर पर नहीं बल्कि एक महिला के तौर पर कहती हूं कि महिला की शिकायत पर संज्ञान लिया जाना चाहिए, बीजेपी सांसद प्रीतम मुंडे का कड़ा बयान। दिल्ली सरकार ने मॉडल टाउन में किया बाल विकास केंद्र का शुभारंभ, स्लम एरिया के बच्चों को होगा फायदा। नरेला और आसपास के कई इलाकों में 3 से 4 जून तक नहीं आएगी पानी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात कमांडो प्रमोद राव ने की खुशी। 2024 को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान शुरू, लोकसभा से बूथ स्तर तक हो गए कई कर। नई दिल्ली कोर्ट ने साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल की पुलिस रिमांड 3 दिन तक और बढ़ाई। ऑरेंज बिश्नोई गिरोह के 3 लोग 17 लाख की ड्रग के साथ पकड़े गए। भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय को छपरा में हर्ष फायरिंग के दौरान लगी गोली, पटना में डॉक्टरों ने किया ऑपरेशन। पवित्र रिश्ता को हुए 14 साल, अंकिता लोखंडे ने किया पोस्ट तो गुस्सा हुए लोग, फैंस बोले सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र तक नहीं किया।